हाय, दिस इज़ मोना। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना खिचड़ी। अगर आपको ये पसंद आती है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम जो है एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल गरम करेंगे, फिर उसमें जीरा डालेंगे। जीरा हो जाने के बाद हम उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता मिलाएंगे। उसके बाद हम उसमें चॉप्ड आलू मिलाएंगे। आलू आप चाहे तो बॉइल्ड आलू भी डाल सकते हैं, पर मैं सादे आलू ही काट के डाल रही हूँ, जिसकी वजह से वो थोड़े क्रिस्पी होंगे तो साबूदाना खिचड़ी में खाने का मज़ा आएगा। उसके बाद हम उसमें डालेंगे हरी मिर्ची की पेस्ट। हरी मिर्ची की पेस्ट हम बाद में डालेंगे, आलू थोड़े पक जाए उसके बाद। हरी मिर्ची की पेस्ट हम पहले नहीं डालेंगे आलू से पहले, नहीं तो हमारी जो खिचड़ी है वो ज़्यादा तीखी हो जाएगी। अब हम जो है उसको 5 मिनट तक पकाएंगे, आलू को थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। आलू को चेक करेंगे अच्छी तरह से पक गए हैं। अगर वो अच्छी तरह से नहीं पके हो तो उसको दोबारा से ढक के हम लोग पका लेंगे। देखिए आलू अभी हमारे पक चुके हैं। उसमें हम डालेंगे थोड़े से तिल यानी कि सेसमे सीड्स। उसके बाद हम उसमें डालेंगे क्रश्ड पीनट, पिसी हुई सिंग, करारी पिसेंगे सिंग को, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी साबूदाना खिचड़ी में थोड़ी सी हम लोग खाएंगे तो हमारे मुंह में उसका टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हमने जो है साबूदाना पूरी रात भिगोए हुए हैं, साबूदानों को खाली थोड़ा सा पानी डाल के ही भिगोना उसको, तो वो जो है इस तरह से छुट्टे होंगे। देखिए अब हम उसमें साबूदाना मिलाएंगे अच्छी तरह से, तो उसको मिक्स कर देंगे। साबूदाना को ज़्यादा नहीं पकाना है, खाली मिक्स होने तक ही उसको पकाना है। देखिए हमारे साबूदाना अच्छी तरह से मिल गए हैं, मिक्स हो गए हैं। अब जो है हम उसमें नमक डालेंगे। ये उपवास में खाने जाने वाली खिचड़ी है इसलिए हम उसमें सिंदूर नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार। उसके बाद हम उसमें डालेंगे पिसी हुई शक्कर। देखिए अब जो है हम उसको सबको अच्छी तरह से मिला के मिक्स करके फिर थोड़ी देर उसको कुक करेंगे, खाली कुछ सेकंड्स के लिए ढक के हम उसे पकाएंगे। देखिए अभी हमें साबूदाना खिचड़ी जो है अच्छी तरह से पक गई हुई है। अब हम उसमें मिलाएंगे सिका हुआ जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा साबूदाना खिचड़ी में। उसके बाद हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर हम देख के डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हरी मिर्ची की पेस्ट भी हमने उसमें डाली हुई है। देखिए हमने डाला काली मिर्च पाउडर। अब हम उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें साबूदाना को मिक्स करने तक ही पकाना है, उसमें ज़्यादा पकाना नहीं उसे। उसके बाद आखिरी में हमने डाला नींबू का रस और हरा धनिया। नींबू का रस डाल के और हरा धनिया डाल के हमें उसे थोड़ा सा पकाना है तेज़ आँच पर, और फिर उसे बंद कर देना है गैस को। अब हमारी टेस्टी साबूदाना खिचड़ी तैयार है सर्व करने के लिए। टेस्टी साबूदाना खिचड़ी तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।